के प्रेस को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है सईदा नफीसा शाह साहिबा, मेंबर नेशनल असम्बली सिंध से, सैयद जवेद अली शाह साहब, मेंबर नेशनल असम्बली ये भी सिंध से हैं, आगा हसन बलोच साहब मेरे दाएं हाथ, आप जानते ही हैं बलोचिस्तान से हैं, मोहतरमा मुनवरा बलोच साहिबा, मोहतरमा रुबीना अरफान साहिबा, मेंबर्स नेशनल असम्बली, हम सब मुख्तलिफ पार्टियों से हैं लेकिन एक जगह पे इकट्ठे हैं, वो है नेशनल इंटरेस्ट। इस सिलसिले में आज जो कंबाइंड हमारा डेलीगेशन है, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस इन नेशनल असम्बली। तो एक उनमें से महदूद है मैंने इसका ये ग्रुप, हम यहाँ पर आपके पास आए हैं। तो बुनियादी मकसद ये है कि जो अक़वामे मुत्तहिदा का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तरक्की का तसलसल, उस सिलसिले में जायज़ा लिया जाए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। इस सिलसिले में जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के और 2030 तक पाकिस्तान की रियासती गारंटी है, हम इन पर अमल दरामद कर लेंगे। इसमें है नो हंगर नो पॉवर्टी, यानी गुरबत का खात्मा इस खत्ते में और भूख का खात्मा इस खत्ते में, और इसके साथ तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अल्टरनेट एनर्जी, आपका ख्वातीन को माशी सियासी तौर पर एम्पावर करना, यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी को बेहतर करना, मईशत को बेहतर करना, ज़रिए मईशत को ठीक करना, मज़दूर किसान के हकूक़ का ख्याल करना, ये मिला के ये पोल्यूशन, माहौलियात, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों का अहाता करता है ये प्रोग्राम। इस सिलसिले में आज हमारी मीटिंग सुबह मोहतरम वज़ीर-ए-आला जनाब जाम कमाल साहब से भी तफसीली हुई और उन्होंने जो ब्रीफ़ किया है बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, हमारी स्टैंडिंग कमेटी इस पर बहुत मुतमिन है और हम अप्रीशिएट करते हैं बलूचिस्तान हुकूमत को कि बलूचिस्तान हुकूमत वाकई अच्छा परफॉर्म कर रही है अंडर कमांड ऑफ जाम कमाल साहिब वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनका विजन बड़ा क्लियर है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मुल्क में है, बलूचिस्तान इसका मेजर पार्ट है, उस सिलसिले में भी जब स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की बात आती है तो इन जस्टिस इन इक्वलिटी की रोकथाम की बात आती है। इसमें जुडिशियल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, ऑफिशियल जस्टिस और जुडिशियल जस्टिस सब की हम बात करते हैं। और रूल ऑफ लॉ मीन के इक्वलिटी, पाकिस्तान का आइन जो है 1973 का, ये स्टेट गारंटी फराहम करता है पीपल एट लार्ज को, पाकिस्तान के हर बशिंदे को, उसके उसको उसको हक जो है लॉ का, अमन व अमान का और हकूक का वो दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में कौमी समरी कायमा कमेटी लॉ एंड जस्टिस अपनी जगह प्रोसीड कर रही है वहाँ इस्लामाबाद में, और नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनी जगह पे काम कर रही है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसको बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, यही वजह है कि हम आज बाहर से भी और यहाँ से भी हम सब यहाँ पे हाज़िर हैं और बलूचिस्तान के अवाम को इसकी यकीन दहानी कराते हैं कि हम यहाँ पे गुरबत के खात्मा, तालीम के फ़रोग, इलाज की बेहतर सहूलतों की फ्राहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के मामलात की बेहतरी, अमन अमान की सूरत हाल, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तहफ़, इसके लिए हम मुकम्मल तौर पर आगही रखते हैं और इस पर डिटर्मिनेशन है हमारी कि हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कुलीग्स का जो मेरे दाएं बाएं हैं कि इनकी बड़ी मॉरल सपोर्ट हासिल है दोनों कमेटीज़ को कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और आज हम इस यहाँ के सामने मौजूद हैं। अभी हमारी मीटिंग्स
यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी होंगी कि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे फंड की यूटिलाइजेशन सही हो रही है, और जो कमज़ोर इलाके हैं जहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी उनको किस तरह एट पार किया जा सकता है। बलूचिस्तान के 32 अजला हैं तो 32 अजला को हम बराबर देखना चाहते हैं क्वेटा के बराबर, और फिर ना सिर्फ इनको क्वेटा के बराबर बल्कि इनको इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बराबर देखना चाहते हैं, पेशावर के बराबर देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ माशी हालत को बेहतर करना चाहते हैं, और यहाँ के तमाम सेक्टर जो हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस पर मेरी बात मुकम्मल होगी, तो इस पर कोई और मेरे ऑनरेबल दोस्त बात करना चाहें तो आप में से कोई बात करना चाहें। मैडम जी आगा हसन बलोच साहब बात जी जी ये सभी बात करेंगे, बारी बारी सभी करेंगे। सबसे पहले मैं रियाज फतियाना साहब जो कायमा कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं उनको, नफीसा शाह साहब को, जावेद शाह साहब को, नवाबा इरफान रुबीना साहब बलूचिस्तान से, इनको बलूचिस्तान आने पर वेलकम कहूँगा। यकीनन ये बहुत यानी अच्छी बात है कि इस दौर में जो कायमा कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं स्पेशली बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं जो अब उन्होंने तफसील के साथ ज़िक्र किया कि उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आए और विज़िट भी कर रहे हैं, सीएम साहब से भी मुलाकात की, कायदे हज़ब इख्तलाफ़ मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब से भी मिले, डिप्टी स्पीकर साहब से भी मुलाकात हुआ, इसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात होगा। यकीनन यानी एक मैसेज जाएगा कल गवर्नर साहब से भी मुलाकात, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी मुलाकात होगा। यकीनन यानी पहले जो इससे पहले जो हुकूमतें थी या कायमा कमेटीज़ थे वो इस अंदाज में बलूचिस्तान में फॉल और मुतरक किरदार अदा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यानी लोगों को बलूचिस्तान के इश्यूज़ के बारे में, बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में, यहाँ के लोगों के एहसास और जज्बात के बारे में, यहाँ पे जो इश्यूज़ हमारे चेयरमैन साहब ने उनका जिक्र किया उनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन अब यानी एक बहुत यानी बायस से मुसरत हमारे लिए कि बलूचिस्तान को उस अंदाज में हमारे चेयरमैन साहब नफीसा शाह साहिबा जावेद साहब और टीम ने वक्त देकर बलूचिस्तान के मसाइलों को अपनी आंखों से यहाँ आकर प्रैक्टिकली बलूचिस्तान के हालात को देखकर और अब जाके मुख्तलिफ़ तरीके से मुलाकात करेंगे। यकीनन हम यानी लाइन जस्टिस कमेटी के हवाले से फतियाना साहब से एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं कहूँगा जो यहाँ पे मिसिंग पर्सन का मसला है या जो बलूचिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से इशूज़ हैं या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशो इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में एड्रेस करेंगे। और आप तमाम साथियों का भी मैं मशकूर हूँ, तमाम भाइयों का जो आप बलूचिस्तान के एज एल ए कलम से ताल्लुक़ रखते हो और बलूचिस्तान में जो साफियों के साथ होता रहा है, यकीनन आप जैसे भाइयों का किरदार, आपका हौसला, आपका मिन्नत और हिम्मत काबिल दीद है। तो एक बार फिर तमाम साथियों की जानिब से आपको भी वेलकम कहूँ, आप साथियों का भी मशकूर कि आप लोग यहाँ पे आए, शुक्रिया जी। मर्कजी राम बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मशकूर हूँ बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, बलूचिस्तान के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का कि उन्होंने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई और हमें वेलकम किया, और मैं शुक्रिया अदा करूंगी चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमेटी का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम बलूचिस्तान आए। जहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कमेटी की बात है तो ये इस कमेटी की बुनियाद 2008 में रखी गई जो उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, और मुझे खुशी है कि अब इस पे 11वां साल है और ये कमेटी नेशनल असेंबली में अब चेयरमैन साहब उसको लीड कर रहे हैं, और इस ग्राउंड
ब्रेकिंग जो स्टेप है इसकी वजह से अब सूबों में भी कमिटीज बनी हैं और यहाँ हम लोग विजिट हमने किया है कि हम देख पाए कि यहाँ पर जो कमेटी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम कर रही है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनके क्या टारगेट्स हैं जो इस वक्त हमें अभी इतला मिलने को है और वो अभी हमारी मीटिंग शायद ब्रीफिंग बाकी है, लेकिन हमारी बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। बलूचिस्तान जो है कौमी असम्बली में उसकी ऑफकोर्स नुमाइंदगी है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है एक पर्सपेक्टिव से, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से मालामाल है। जो मादनियात यहाँ पाई जाती हैं वो अगर सही किस्म की वहाँ प्रोस्पेक्टिंग हो, बलोच जो लोग यहाँ रहते हैं यहाँ के शहरी हैं उनको उनके हुकूक मिले, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी यहाँ की पसमानदगी जो है वो यहाँ से मिट सकती है। हमारे आने का मकसद तो सिर्फ स्पेशली माई सेल्फ कि मैं ज़्यादा लर्न करना चाह रही हूँ कि यहाँ के इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि हम कौमी असेंबली में अपने अपने हलकों की तो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा उससे ज़्यादा एक रोल है कि हम मुल्क के इश्यूज़ जो मुल्क के इश्यूज़ को चैलेंज करते हों, सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, डेवलपमेंट इश्यूज़ हों, इकोनॉमिक इश्यूज़ हों, उन पर हम आवाज़ उठा सकें। और बलूचिस्तान जो है बहुत अहम है, बहुत करीब भी है। मैं मेरा अपना ताल्लुक खैरपुर से है जो बहुत करीब है बलूचिस्तान, अपर सिंध से ताल्लुक है, और हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जैकबाबाद जिसके साथ नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो इसलिए यहाँ आना एक यकजहती का इजहार करना है और इंशाल्लाह जो कुछ हम सीखेंगे, जो डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम अपनी कमेटी पर में भी उसके ऊपर बात भी करेंगे और हम जो प्लेनरी है जहाँ डिबेट होता है वहाँ पर भी हम बलूचिस्तान के जो हुकूक हैं जो काफ़ी अरसे से एक पसमानदगी का एक डिप्रवेशन का यहाँ एहसास है उसको भी हम इंशाल्लाह उजागर करेंगे। जहाँ मैं असेंबली में बैठती हूँ वहाँ मेरे बहुत करीब अख्तर मैंगल साहब बैठते हैं आपके जो पार्टी के लीडर हैं, और हमारी बहुत क्लोज उनसे इंटरेक्शन रहता है और ऑल द इश्यूज़ हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मिसिंग पर्सन्स का इशू हो, गुरबत का इशू हो, सीपैक का इशू हो, हमारी जमात ने लास्ट जो पार्लियामेंट थी उस पे आपको याद होगा कि सीपैक पे बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि जिसमें ओरिजिनली सीपैक का जो विजन था वो वेस्टर्न रूट को खोलना था और फिर जो उस वक्त की हुकूमत है उसने प्रायोरिटाइज किया ईस्टर्न रूट। तो हमने बाकायदा आवाज़ भी उठाई, एहतजाज भी किया, और इस वक्त हमारी सॉलिडारिटी कोई भी जमात हो जहाँ बलूचिस्तान के इश्यूज हैं हम उनके साथ होंगे। और ये जो पसमानदगी का पर्सपेक्टिव है, एसडीजीज का एक ऐसा डेवलपमेंटल फॉर्मूला हम समझें जो हमें एक्सेस देता है कि हम सोशल इश्यूज जो जनरली नज़रअंदाज होते हैं, ख्वातीन जो है उनके इश्यूज, हंगर के इश्यूज, गुरबत के इश्यूज, लाइवलीहुड के इश्यूज, पानी के इश्यूज, एग्रीकल्चर के इश्यूज, इन सब को हमें एक एक्सेस मिलता है। और ये बहुत अच्छा होगा अगर एसडीजीज जो टास्क फोर्सेस हैं मुख्तलिफ सूबों में वो साथ मिलकर इन इश्यूज पर काम करें और इन पर फोकस करें। और मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट में अगर ये कमिटीज एक्टिव होती हैं तो पार्लियामेंट्री जो लोगों की पार्लियामेंट में एक्सेस है और पार्लियामेंट का आउटलुक है उसमें इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। तो पहला इजलास है, हम मबनी मशहूर है जनाब चेयरमैन साहब की कि उन्होंने स्टार्ट बलूचिस्तान से लिया और अपने कुलीग्स का और आप मीडिया के दोस्तों का जिन्होंने हमें यहाँ की कवरेज दी। ये जो आज हमने बलूचिस्तान से पहला स्टार्ट लिया है ये बलूचिस्तान के अवाम को ये मैसेज देने के लिए कि इंशाल्लाह जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ये बलूचिस्तान को फोकस करेगा और बलूचिस्तान की जो 70 सालों का महरूमी है उनको ख़त्म करेंगे और जो जितने हम मुश्किल वक्त गुजारे इंशाल्लाह इसी दौर में हम खुशहाली की तरफ गामजन होंगे।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो गवर्नमेंट है जिसने बलूचिस्तान को फोकस किया है खान साहब की क्यादत में। खान साहब कल बलूचिस्तान का विजिट कर रहे हैं और ये जब से इकतदार में है ये उनका दूसरा विजिट है। जैसे कि इलेक्शन कंपेन में उसने दावा किया था कि मैं बलूचिस्तान को प्रायोरिटी पे रखूँगी और बलूचिस्तान को पंजाब जैसे सूबे पर लाऊँगी, क्योंकि बलूचिस्तान तो कहने के हद तक पसमानदा है लेकिन हमने खुद उसको पसमानदा रखा है, लेकिन इंशाल्लाह हम खान साहब की क़यादत में इस पसमानदगी को दूर करेंगे और बलूचिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। बहुत शुक्रिया। रुबीन अरफान सर, मैं आज रियाज पटियाना साहब, शाह साहब, नफीसा शाह साहिबा और एस डी पी के मेंबर्स और लॉ एंड पार्लिमानी अमूर के जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने एक ऐसे तरीके से शुरुआत बलूचिस्तान से की और बलूचिस्तान के जितने जो मसाइल हैं उन्हें आके खुद महसूस किया और यकजहती का इजहार किया है। उनका यहाँ आना और हमारे साथ बैठना ये जाहिर कर देता है कि वी आर वन, क्योंकि हम यूनाइटेड हैं और हर सोशल या पॉलिटिकल जो मसले हैं और वो पाकिस्तान के मसले हैं उस पर हम सब साथ करेंगे। तो मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से और अपने कमिटीज़ की तरफ से, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब की विजन उन्होंने सुनी और उनके साथ एक बैठक हुई नशस्त की और उनका विजन बहुत जाहिर है और उनका विजन बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जाहिर, और एस पी जी का जो फोरम है और लॉ एंड पार्लिमानी अमूर की जो कमेटी है वो बहुत एक ऐसे तरीके से इन चीज़ों पे जा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आएँ और बलूचिस्तान को आपने मसाइल को करीब से देखने के लिए और यहाँ के दोस्तों के मशवरे से उनको सुलझाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स हों या बेसिक नीड्स हों एक ही जैसी हैं, चाहे सिंध की हों चाहे बलूचिस्तान की, हर जगह की एक ही हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ के मसले मसाइल शदीद ज़्यादा हैं, जैसे कि मिसिंग पर्सन्स अगर आपके पास भी हैं कुछ ज़्यादा होंगे तो मिसिंग पर्सन्स हमारे पास सिंध में भी हैं। आपने कल देखा होगा कि कल हाईकोर्ट सिंध ने भी उस पर काफ़ी सारी सीरियस रिजर्वेशन शो की हैं। तो ये हम यहाँ आए और आपके साथ मिलके, यहाँ के लोगों के साथ मिलके, यहाँ की लीडरशिप के साथ मिलके इन मसाइल को हल करने के लिए आएँ कि इसको किस एंगल से टैकल किया जाए। नेशनल असम्बली में हम, जैसे मेरी बहन ने बताया कि हमारे अख्तर बेंगल साहब हमारे बहुत ही करीबी बैठते हैं और उनके साथ हमारा एक रेपो होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्होंने काफ़ी सारे इशूज़ पे हमें सपोर्ट करते हैं और हम हमेशा उनको स्पेशली ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये पहला कदम है और सबसे पहले हमने प्रायोरिटी भी बलूचिस्तान को दी है, सबसे पहले यहाँ पर आए हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिल बैठ के यहाँ के मसलों को समझेंगे और उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आज चार मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है इस आज की प्रेस का ब्रीफिंग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सभी की रिप्रेजेंटेशन या मेंबर्स की तरफ से यहाँ मौजूद है। और वहाँ पे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं बहुत अच्छी तरह जनाब अख्तर मेंगल साहब, जनाब शाह जैन बुख्ती साहब, मोहतरम मगसी साहब और सरात तरीन साहब, तो ये हमारी आपस में बहुत, और सूरी साहब और सारे यहाँ के जबैदा जलाल साहबा जी। तो आप कोई जिस पे दो राय नहीं है, फंडामेंटल राइट का तल्लुक है तो इस पे सभी जमातें मुत्तफिक हैं कि मिसिंग पर्संस जहाँ कहीं भी हैं उन्हें बाजियाब होना चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसके साथ तशद्दुद है उसकी भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं भी हो, किसी सूबे में हो, भले से पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो। तो रूल ऑफ लॉ जो है
और इस पर तो दो राय नहीं, हम डिटरमिन है कि इस पर सबको उनका हक मिलना चाहिए। और 650 के करीब बताया जा रहा है कि मिसिंग पर्सन वापस घरों तक पहुंचे हैं, ये इसको खुश आयंद है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि कहीं भी ऐसा है कि मामला तो देखा जाए कि वो कहाँ है, वो फरारी कैंप में है, वो अफगानिस्तान में है या वो कोई किसी और के पास हैं, तो वो सबको अपने घरों तक आना चाहिए। ये इंसानी हमदर्दी का मामला है और फंडामेंटल राइट्स का मामला है, इस पर बिल्कुल हमारी पूरी कमेटी जो है एक ही राय रखती है। जी और के क्वेश्चन जी, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो बड़े डिटरमिन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जाए, नई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स का है उसको इम्प्रूव किया जाए, रोड्स को बेहतर किया जाए, और यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जो मिनरल्स हैं यहाँ पे उनकी प्रॉपर प्रोड्यूस करके उनकी अच्छी मार्केटिंग की जाए। कोस्टल बेल्ट जो है 750 किलोमीटर की, उसका मैक्सिमम उसको इस्तेमाल किया जाए। ग्वादर पोर्ट से फ़ायदा बलोचिस्तान के अवाम को पहुँचना चाहिए। यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को और बेहतर किया जाए, यहाँ पे गुरबत और अफलास का खात्मा किया जाए। इसके लिए कोई फूड सिक्योरिटी पर वो एक इदारा भी कायम कर रहे हैं बलोचिस्तान में, और आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने भी एक पॉलिसी दी है गुरबत के खात्मा के लिए, और इसी के तनाजर में उन्होंने भी यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी का इदारा बनाने की बात की है आज। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उनकी काफ़ी, मैं बहुत से वज़ीर आला से मिलता रहता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनमें जो कैलिबर है बहुत बेहतर है। गुजारिश ये है कि बलोचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पापुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है, कोस्टल बेल्ट है, तो ये ऐसे फितरी अवामल हैं जिनको अगर सही यूटिलाइज़ किया जाए तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है खुशहाल खत्ता हो सकता है। इस सिलसिले में जो इंडिकेटर्स हैं जो बाजार नज़र आ रहा है, इनको चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, करप्शन को मिनिमाइज़ करके, जो लीकेज है उनको बंद करके, गवर्नेंस को इम्प्रूव करके, यहाँ के तमाम लोगों का इत्माद बहाल करके, और इसके साथ साथ जो तमाम इदारे हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी आपस में एक पेज पर लाकर और तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व करके, तो मैं समझता हूँ कि कोई इफ़ देर इज़ विल देर इज़ वे। पॉलिटिकल विल मुझे नज़र आ रही है और इसमें तमाम जमातें, कोई भी ऐसी जमात नहीं जो हालात को ठीक नहीं करना चाहती, तो यकीनी तौर पर बलोचिस्तान अगले चंद बरसों में माजी को छोड़कर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इश्यूज हैं मुख्तलिफ नौयत के, और पूरा पाकिस्तान ही एक तरीके से हम अगर देखते हैं लिटरेसी रेट आप देख लें, स्पेशली अमंग द गर्ल्स, न्यूट्रिशन के इश्यूज देखें, पूरे पाकिस्तान को अगर एज वन यूनिट कहें तो उसमें पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। पंजाब में आप चोलिस्तान देखते हैं, सिंध में अगर हम थरपाकर का देखें, बलूचिस्तान में तो ओवरऑल कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा फाटा इज़ अगेन एन एरिया। तो ये रिलेटिव टर्म्स हैं, और आई थिंक नेशनल असम्बली में आपको एक होलिस्टिकली चीज़ों को देखना होगा। यकीनन मेरी एक आइडेंटिटी वो भी है क्योंकि मेरा हलका सिंध का है, तो मैं अपने हलके की बात करती हूँ, और मेरा मैंडेट भी ये है कि मैं नेशनल असेंबली में अपना हलका की बात करूँ। लेकिन जब हम कमेटीज़ में आते हैं तो हम एक कॉमन विजन लेके आते हैं, और हमारा, आपने देखा होगा कि हमारा इस वक्त बंटवारा नहीं है। कल मैं ज़रूर आपसे मुखातिब होंगी बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पीपल्स पार्टी, वो मेरी दूसरी लैंग्वेज होगी, मेरे दूसरे वर्ड होंगे, लेकिन इधर हम एक कमेटी की सूरत में आते हैं और मुल्क की बात करते हैं, और लेकिन हर इलाके के पर्टिकुलर इश्यूज हैं और उनकी पर्टिकुलर जो है वो सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो पहले कहा जाता था कि गेम चेंजर बन सकता है, वो सीपैक, अभी भी सीपैक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सीपैक से क्या बलूचिस्तान, जितनी बातें की गई, क्या बलूचिस्तान उससे मुस्तफीद हुआ या नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है जो हम बातें रेस करते रहे। मैं समझती हूँ कि नेशनल असेंबली की कमिटीज़ की अफादियत सबसे ज़्यादा इसमें है कि हम इश्यूज ऑनेस्टली आर्टिकुलेट करें। हम यहाँ किसी की तारीफ करने या स्कोर्स करने, एटलीस्ट मैं नहीं आई हूँ, मैं इश्यूज़ को समझने आई हूँ, और फिर नेशनल असेंबली हो या स्टैंडिंग कमेटी हो, हम उसको आर्टिकुलेट करेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आप सब लोगों से सीखो। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी जो जो जो
डेप्थ है सवालात की. आई वाज वेरी इनकरेज्ड कि आपने अपने सवालात से ही इतने गहरे आपने इश्यूज रेज किए हैं. और इंशाल्लाह अभी हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ क्या फोकस है गवर्नमेंट का. व्हाट इज़ इट दैट इट वांट्स टू फोकस इन द नेक्स्ट. कोई विजन है, कोई फोकस है, और इंशाल्लाह आपसे इंटरेक्ट कर. जिस तरह नफीसा शाह साहिबा ने अभी बात की ना, उन्होंने बात की कि हम यहाँ पे एज ए लॉ एंड जस्टिस कायमा कमेटी के मेंबर्स के तौर पे हैं. यहाँ पे हमारी लैंग्वेज कुछ और होंगे, और इसके बाद जब बैठे हैं चेयरमैन साहब हमारे, उन्होंने बात की. लाजमी नहीं मैं 100% उनकी बातों से मुतफिक हूँ, लेकिन एज ए कमेटी के चेयरमैन मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं उनकी राय से खिलाफ ना लूँ. जहाँ तक कि मैंने इसी बानी की गवर्नमेंट मेरे कायमा कमेटीज़ की पहली बार इससे पहले शायद जी जी लेकिन मैं बताऊँ जो इससे पहले लॉ एंड जस्टिस कमेटीज के कायमा कमेटी के मेंबर्स थे वो आज तक क्या बलूचिस्तान में ना विजिट किए उन्होंने ना बलूचिस्तान आए उन्होंने बलूचिस्तान के इशूज पर एड्रेस किया. हमारी 2-3 मीटिंग्स हुए उसमें हमने जजेस का मामला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बढ़ा रहे थे तो नफीसा साहिबा भी बैठी है उन्होंने बलूचिस्तान बिलखसूस फतियाना साहब का जो किरदार था उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के भी जजेस बननी चाहिए वहाँ पर भी ऑपरेशन बढ़ी. और यहाँ पे जो फेडरल जजेस कम्प्लेक्स का मसला था इससे पहले उसके हवाले से बात नहीं की जा रहे थे लेकिन हमने उसके हवाले से भी बात की कि भाई यहाँ पे कम्प्लेक्स बनाया जाए बलूचिस्तान में. तकरीबन जो पोस्टें वैकेंट थी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में रिजवान भाई इससे पहले कोई भी नहीं कह सकता था कि भाई इक्वल सीटों को तकसीम किया जाए. 6 पॉइंट जो हमारा जो बनता है फीसद बनता है मुलाजमतों का उसके हवाले से उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो लेकिन हमने इंश्योर करवाया अपनी कमेटी से कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो. अब रह गया बात है कि गवर्नमेंट के हवाले से यकीनन हमारे जो खदशात और तहफ़ात थे लाजमी सदर साहब ने खान साहब से मुलाकात की और हमने एक साल का उन्हें दिया है टाइम. अब एक साल मुकम्मल नहीं हुआ, एक साल का जो मुद्दत है उसके बाद हम हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं. उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, कैबिनेट का इजलास होगा, उसके बाद हम देखेंगे नज़रसानी करेंगे कि आया इस मुद्दत में इस अरसे में कितनी अचीवमेंट हमने हासिल की है या नहीं किया है तो उसके बाद हम फैसला करेंगे. अभी भी हम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं हैं, हम आज़ाद बेंचों पर बैठे हैं फेडरल में आज़ाद बेंचों पर बैठे हैं बलूचिस्तान में अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं जिसमें भी हम जो 6 नुकात के हवाले से आप यकीन जाने वहाँ पे सरदार साहब बोलते हैं कि 70 ईयर्स से कोई भी शायद मेरे कोलीग्स इस बात से इत्तफाक करेंगे जो बलूचिस्तान के एजेंडा था बलूचिस्तान का व्यू था विजन था किसी ने 70 सालों से नहीं रखा. सरदार साहब उस अंदाज में उसको पेश कर रहे हैं. हम जमहूरी लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं. जब आप देखेंगे जी हमारे 6 नुकात पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हम आज़ाद बेंचों से अपोजिशन बेंचों पर जाके बैठेंगे. हमने कोई मराद कोई वजारतें अभी उससे नहीं ली. मेरे पास शुक्रिया आप सबका. मेरा ख्याल है काफ़ी होगी बात तो बुनियादी तौर पर यह बात जहन में रखिए कि जमातों का हर एक अपना अपना है. देखा हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं पाकिस्तान के अवाम की खातिर और बर्दाश्त सिखाती है जमहूरियत और हम बर्दाश्त कर रहे हैं. जी आप कोई आखिरी क्वेश्चन कर लें जी. इस पे कोई ऐसी कमेंट करने की हम आप पोजीशन में ना हम पोजीशन में ये फैक्ट फिगर हैं इस पे हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर सामने आए असल फिगर क्या है तो उसके बाद फिर आगे बात करेंगे. शुक्रिया. जी हमारी 3 बजे तक और मीटिंग है आखिरी कर लें. 3 o'clock हमारी अगली मीटिंग है इसलिए मैं चाह रहा हूँ. देखें गुजारिश है कि हमारी कमेटी जो है ना सी पैक को डील नहीं करती लॉ एंड जस्टिस को डील करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को. और नफीसा शाह साहब ने ऑलरेडी इस पर बहुत एक्सप्लेन किया है कि सी पैक हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान का जो वेस्टर्न रूट है या बलूचिस्तान के इलाकों को एम्पावर किया जाए. ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है. ऑब्वियसली सी पैक पे बलूचिस्तान का जो शेयर है जो ड्यू शेयर है उसको मिलना चाहिए. इसको हम फुली इंडोर्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं. वो ऐसी बात नहीं जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह सब सूबों को अपना उसका राइट मिलेगा. इनका आपका फंडामेंटल है.